आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। जामताड़ा जिला मुख्यालय में रमजान की अंतिम जुमे अलविदा के नमाज के दौरान मुस्लिम धर्म अवलंबियों ने लॉकडाउन का अनुपालन किया। लोग अपने अपने घरों के अंदर दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जुमे की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं मस्जिदों में सिर्फ इमाम व अन्य चार लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। लॉकडाउन के तहत कोरोना वायरस को लेकर हर वर्ग के लोग काफी चिंतित है। जामताड़ा सुभाष चौक जामा मस्जिद में इमाम मौलाना नजरुद्दीन ने जुम्मे की नमाज अदा कराई। वहीं पागडीही व सरखेलडीही जामा मस्जिद में इमाम हाफिज कमरुद्दीन जुम्मे की नमाज अदा कराई। मौके पर इमाम हाफिज कमरुद्दीन ने कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने पर जो सवाब मिलता है, मौजूदा हालात को देखते हुए वही सवाब घर पर नमाज पढ़ने पर मिलेगा। लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए इस वायरस को हराने के लिए अपने घर पर रहकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए लोगों ने खुदा से रो रो कर दुआएं मांगी। इमाम मौलाना नजरुद्दीन ने बताया कि अलविदा का जुम्मा इसलिए खास होता है कि इस मुबारक महीने का यह आखिरी जुम्मा होता है। इसके बाद ही रोजेदारों को खुशियाँ देने के लिए ईद उल फितर का त्योहार आता है। आज रमजान का आखिरी जुमा जो अलविदा जुमा कहलाता है और सभी को अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंस बना के अलविदा जुमा अदा किए और सबको सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए सभी लोग नमाज अच्छी तरह से पढ़ें। कुछ